अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं सर्दियों की एक बेहतरीन सौगात, पंजीरी, जो कि तमाम कुदरती अज्जा से मिलकर बनती है। हड्डियों के दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए बेस्ट फार्मूला है। नज़र की कमजोरी हो या दिमागी कमजोरी, स्किन के प्रॉब्लम्स हों या हेयर लॉस इशूज़ हों, ये सब के लिए एक बेस्ट रेमेडी है। न्यू मॉम्स और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी ये ऑल इन वन फार्मूला है। इसमें जो तमाम ड्राई फ्रूट्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं, इसके बेपनाह फायदे हैं। बादाम इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है और ब्लड की डिफिशेंसी को भी कंट्रोल करता है। अखरोट की बात की जाए तो इसके बेपनाह हेल्थ बेनिफिट्स हैं। शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है और हड्डियों को मजबूत करता है। तो आइए चलते हैं पहले रेसिपी की तरफ और साथ साथ हम इसके इन्ग्रीडियंट्स देखेंगे और उन इन्ग्रीडियंट्स के फवायद भी देखेंगे। एक कढ़ाई में मैंने देसी घी ले लिया है। थोड़ा सा देसी घी लेने के बाद इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसके बाद हम तमाम ड्राई फ्रूट्स को इसमें रोस्ट करेंगे। तमाम ड्राई फ्रूट्स को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे रोस्ट करना है और सबसे पहले हम इसमें बादाम को हल्का सा रोस्ट करने के बाद उसके बाद इसमें बाकी ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे, काजू, और इसके साथ हम इसमें थोड़ा सा अखरोट और हम पिस्ता ऐड कर देते हैं और इसको अभी हम रोस्ट करेंगे। These all dry fruits helps in constipation और इसके साथ साथ ये कैंसर के रिस्क को भी कम करते हैं। पिस्ता दिल और दिमाग की मजबूती में बहुत अहम किरदार अदा करता है और ये गुर्दों की सफाई भी करता है, गट हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। इसके साथ साथ इसमें मैंने किशमिश ऐड किया है जो कि आंखों के लिए बहुत मुफीद है और इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। अब दोबारा से कढ़ाई में हम देसी घी लेंगे और इसमें हमने थोड़ी सी ऐड की है, एक कप के करीब सूजी, और सूजी को आपने बराबर इसमें चम्मच चलाते जाना है और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने रोस्ट करना है। जब तक इसमें से भुने जाने की खुशबू नहीं आ जाती तब तक आप इसको रोस्ट करते रहेंगे, उसको भूनते रहेंगे। अच्छे से इसको भूनना है और इसमें लगातार चम्मच चलाते रहना है। पंजीरी बनाते वक्त जो सबसे खास बात जहन में रखनी है वो है इसकी आंच, जो कि मीडियम टू लो ही होनी चाहिए और तमाम चीजों को जितनी मिकदार में उसकी भुनाई चाहिए सिर्फ आपने उतना ही भूनना है। अब सूजी को भूनने के बाद उसको मैंने डिश आउट करके एक साइड पे रख लिया है और कढ़ाई में दोबारा से देसी घी ले लिया है और अब इस देसी घी में मैं डालूंगी एक कप आटा, जो आम घर में इस्तेमाल होने वाला गंदम का आटा है। अब हम इस गंदम के आटे को भी अच्छे से भून लेंगे। आटे को आपने उस वक्त तक भूनना है जब तक आपको एक बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती और उसके बाद मिठास के लिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गुड़। यहाँ पे भी आपने खास ख्याल रखना है कि आंच इसकी जो है वो मीडियम टू लो हो। उसके ऊपर इसको आराम से आपने गुड़ को मेल्ट होने देना है और फिर इसका टेक्स्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा और बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आने लग जाएगी, क्योंकि आटा भी भुना जा रहा है और उसमें गुड़ भी मिक्स हो गया है। अच्छे से इसमें आपने गुड़ को मिक्स कर लेना है और उसके बाद अब हम इसी मिक्सचर के अंदर बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं तकरीबन एक चौथाई कप जो है वो सफ़ेद तिल ऐड कर रही हूँ और उसके साथ ये जो आपको एक पाउडर सा नज़र आ रहा है ये काले भुने हुए चनों का बनाया हुआ पाउडर है। उसको मैंने ऐसे दरदरा सा पीस लिया था और उसमें मैंने इसको ये ऐड कर दिया है। ये प्रोटीन से भरे हुए होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, तो आप ये इसमें ज़रूर ऐड करें, उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने जितने भी रोस्टेड ड्राई फ्रूट साइड पर रखे थे वो इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इन ड्राई फ्रूट्स को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लें जी, तो चूंकि हम रहते हैं पाकिस्तान में तो हो गई है गैस की लोड शेडिंग और अब मैंने अपनी कढ़ाई को शिफ्ट कर लिया है सिलेंडर के ऊपर। अब बस इसमें थोड़ा सा काम रह गया है, अभी आपने इसको हल्के से चम्मच चलाना है और ये ऑप्शनल है। अगर आप इसमें वाइट शुगर ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हम इन तमाम इन्ग्रीडियंट्स को लो फ्लेम पर मिक्स करने के बाद अब इसको हम चूल्हे पर से उतार लेंगे और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और ये हमारी बहुत ही प्यारी सी, खूबसूरत, फुल ऑफ न्यूट्रिशन और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई, ताकत से भरपूर पंजीरी तैयार है। इसको एक दफ़ा बना के एयर टाइट जार में आप सेव भी कर सकते हैं, पूरी सर्दियां आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। और ये सर्दियों में अगर पंजीरी नहीं बनाई तो कुछ नहीं बनाया। और जी, दुआओं में याद रखिएगा, इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ इसके रिव्यूज़ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।